Hello student, welcome to the YouTube channel of Second Heart School. Our new topic is representing real number on the number line. जैसा कि आपने अपने previous class में और previous topic में पढ़ा था कि real number जो होता है उसको हम लोग decimal expansion के form में लिख सकते हैं. तो अगर उसको decimal form में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. तो अब ये आता है कि हम किसी डेसिमल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि विजुलाइज 2.665 और नंबर लाइन 2.665 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये 2.665 जो है ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है. मीन्स ये नंबर जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. तो हमने नंबर लाइन बनाया ये -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब 2 और 3 के बीच में वो नंबर लाई करेगा. मीन्स इस पार्ट में वो नंबर लाई करेगा. ठीक है, तो हम लोग इसको ले लिया. अब इसको हम लोग एक्सपेंड किया तो 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया. अब 2 और 3 के बीच में उन्होंने 10 पार्ट्स कर दिए. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3. ठीक, और हमारा सेकेंड डिजिट है 2.6. ठीक, तो 2.3 जो नंबर है ये 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा. ठीक, अगर यहाँ तक लिया हम लोग 2.6 तक ले. ठीक, तो 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा. तो हम लोगों ने इसको चूज कर लिया. ठीक, अब हम लोग इसको और मैग्नीफाई करेंगे तो 2.6 को यहाँ ले लिया और 2.7 को यहाँ ले लिया सेंड करके. अब इसके बीच के हम लोग 10 पार्ट्स करेंगे. तो 2.6 बन जाएगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.68, 2.69 और 2.7. तो हमने 2.6 और 2.7 के बीच को हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया 10 पार्ट्स में. अब हम लोग सेकेंड डिजिट पे आते हैं 2.66. अब यहाँ हमारा 2.66 हो गया और अगला नंबर 2.67 हो गया. अब इसके बीच को हम एक्सपेंड करेंगे. अब किस पार्ट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, तो 2.66 और 2.67 को अब इसको एक्सपेंड. 2.66 इस एंड पे आ गया और 2.67 इस एंड पे आ गया. ठीक है, अब इसके बीच के हम लोग 10 पार्ट्स कर देंगे. तो 2.66 के बाद अब जो डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट आएगा वो होगा 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.666, 2.667, 2.669 और 2.67. ठीक है, अब यहाँ तक हो गया. ठीक, अब हमारा नंबर इसमें से कौन सा था 2.665. अब इसमें वो देखेंगे कि 2.665 हमारा यहाँ पे. तो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ठीक हो. तो अब अगला हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं. एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का. अगर जैसे क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, विजुलाइज 4.26 ऑन नंबर लाइन, और इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 डेसिमल प्लेस तक पहले 2626 को रिपीट होता जाएगा. तो इसमें हम लोग को 4 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करना है. ठीक, जैसा ये नंबर 4.26 जो है वो 4 और 5 के बीच में है. पहला स्टेप हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 4 और 5 चूज कर लिए. अब इन दोनों के बीच को एक्सपेंड करते हैं, क्या कह लो मैग्नीफाई करते हैं. मैग्नीफाई किए, 4 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे आ गया. अब इसके बीच में 10 स्टेप्स देंगे, क्या 10 पार्ट 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5. अब इसका अगला स्टेप है 4.2, जरा 4.2 और उसके बाद क्या 4.3. ये जो नंबर है 4.2 और 4.3 को एक्सपेंड कर देंगे या मैग्नीफाई कर देंगे. 4.2 यहाँ पे आ गया. ठीक, इस पार्ट को हम लोग अब मैग्नीफाई करेंगे. 4.2 यहाँ पे आ गया, 4.3 यहाँ पे आ गया. ठीक, अब इन दोनों के बीच के 10 पार्ट्स करेंगे. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3. ठीक, अब फिर इसको एक्सपेंड करेंगे. अगला स्टेप जो है 4.26, इसमें देखें 4.26 का है, ये रहा 4.26.
और उसके बाद 4.27। अब इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करके एक्सपेंड करेंगे। 4.26 यहाँ पे आ गया और 4.27 इस एंड पे आ गया। और इसमें 10 पार्ट्स करेंगे यहाँ से आगे बीच में, ठीक। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27, ठीक। अब यहाँ पहुँच गए 4.26, कहाँ है 4.262 यार, ठीक। जैसे कि हम इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो 4.2626, तो हम लोग 4.26 पे पहुँच गए। अगला है 2, ये हमारा है 4.262, इसको ले लिए सेंड पे। और इसके बाद जो अगला नंबर है इसको हम लोग इस एंड पे ले लिए 4.262। अब इसके 10 पार्ट्स करेंगे हम लोग, ठीक है। इधर आ गया 4.261, 4.262, 4.623, 4.624, 4.625, 4.626, 4.627, 4.628, 4.629 और 4.263, ठीक है। इन दोनों बीच का अब हमारा नंबर कहाँ पे आ रहा है, 4.2626। ये हमारा 4 डिजिट पे हो गया, ठीक है। तो 4.26 हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया।